साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ एक अमेज़ॉन का रैंडम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हॉल। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं रैंडम चीज़ें आजकल अमेज़ॉन से मंगवा रही हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, वो कुछ भी हो सकता है, जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है वैसी चीज़ें। तो आज मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो अब से पहले मैंने कभी भी यूज़ नहीं की हैं। तो आइए अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये आप लोगों को पता ही होगा कि ये है हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम्ब। ये जब आया था ना, आई थिंक 2 से 3 साल पहले आया था, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बट ये इस टाइम पर अमेजोन पर आते आते 400 से 500 के बीच में मिल रहा है इजीली। बट हाँ, ऑब्वियसली ब्रांड अलग है, कंपनी अलग है। तो ये जो कॉपीड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये वो वाला प्रोडक्ट है। बट मेरे को ये ट्राई करना था जब इसका एड आना स्टार्ट हुआ था ना यूट्यूब पर, तब से ही मेरे को ये ट्राई करना था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली मैंने ये ट्राई कर लिया है, एक बार ही मम्मी के बालों पर लगाया था। तो ये है कॉम्ब और ये इसके साथ आती है, इसकी जो वायर है ना वो इसके साथ आती है। आपको जस्ट इसको प्लग इन करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक तो ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, एक टेम्परेचर प्लस और माइनस करने का बटन दिया हुआ है, और यहाँ पर ना टेम्परेचर लिखा हुआ आता है कि आपको कितने टेम्परेचर पर इसको सेट करना है। उसके बाद आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग कितना हीट चाहते हो या फिर कितने कम या ज़्यादा आप जो भी चाहते हो इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ये अपने हेयर में यूज़ करना है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा, क्योंकि जब मैं मार्केट जाती हूँ अपने हेयर वॉश करती हूँ ना सुबह सुबह, मेरे को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि मेरे को स्ट्रेट भी करने होते हैं और मेरे को वो हेयर ड्राई भी करने होते हैं। तो उन थोड़े थोड़े वेट हेयर में ही ना अब मैं इसको यूज़ कर लूँगी, तो वो स्ट्रेट भी हो जाएंगे और कॉम भी हो जाएंगे और मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। 3D सेरेमिक ब्रिसल्स इसके ऊपर लिखा हुआ है, सेरेमिक ब्रिसल्स हैं, बट आई एक्चुअली डोंट नो कि ये सेरेमिक है या नहीं है, क्योंकि इतने सस्ते में सेरेमिक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट येस, अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप इसको ज़रूर एक बारी ट्राई आउट करें। सो गाइज, नेक्स्ट इज दिस कलरफुल चॉक्स। ये मैंने ना डिफरेंट 5 स्टिक मंगाई हैं, स्टिक हैं या फिर ये चॉक्स हैं मुझे पता नहीं एक्चुअली, बट उसमें ना दिखाया हुआ था कि ये टेम्परेरी मेरे हेयर को कलर कर देंगी। तो इसमें ब्लू है, पर्पल है, पिंक है, ग्रीन है एंड दिस रेड वन। ये टेम्परेरी हेयर्स को कलर करती है। तो इस तरह से जस्ट आपको अपने हेयर में ये लेकर जानी है और जैसे आप कॉम करते हो ना उस तरह से आपको लगानी है। अब आई थिंक कलर तो आ रहा है, यस, ओ माय गॉड यार, सीरियसली इसमें कलर आ रहा है। सो दिस इज ग्रीन, वाओ यार अमेजिंग, बहुत अच्छे से आया, बीच बीच में से जैसे हाईलाइट होते हैं ना बिल्कुल वैसे आया है। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसका दूसरा कलर भी ट्राई करती हूँ। बहुत टाइटली पकड़ने हैं एंड इस तरह से, वाओ यार सीरियसली बहुत ही मजेदार, अमेजिंग, मजा आ गया मेरे को। तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, डिफरेंट कलर मेरे बालों में आ चुके हैं। ये देखो, ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, रेड है एंड देन पर्पल तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हेयर जो है वो थोड़े से ड्राई हो गए हैं ये लगाने के बाद। तो दिस इज टेम्परेरी, जस्ट आप फॉर अ चेंज अगर कभी कुछ कलर करना चाहते हो अपने हेयर में तो आप इसको कर सकते हो। और मेरे को ना थोड़ा सा वेट सा भी लग रहा है, जैसे चिपचिपा सा स्टिकी सा होता है ना वैसा लग रहा है। तो ये पीछे से भी आप देख सकते हो इस तरह से कुछ मेरे हेयर लग रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज रियली नाइस फॉर टेम्परेरी हेयर कलर के लिए, आप इसको एक बार ट्राई आउट कर सकते हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये मैंने मंगवाई थी नेल पॉलिशेस का सेट। अब ना मम्मी ना हमेशा मेरे को बोलती थी कि तेरे पास इतनी सारी चीज़ें आती हैं बट तेरे पास नेल पॉलिश कभी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही मंगवा लेती हूँ इस बारी। तो ये ना 24 नेल पॉलिशेस का सेट है, इसमें सारे कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ऑरेंज, नियॉन वाला ग्रीन, जो भी आपको चाहिए ना वो सारे कलर इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये कंप्लीट सेट मिल रहा था मुझे। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये ब्रांड है वो है मेकअप मेनिया नेल प्रो HD। सारी की सारी पैकिंग ऐसी ही है, सारी की सारी नेल पॉलिशेस की। बट मैंने अप्लाई की तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने ये पर्पल वाली लगाई हुई है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी। और मैंने ये लगाई थी परसों से ये अभी तक एज इट इज़ है, बिल्कुल भी नहीं हटी है। इसका ब्रश भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये आप देख सकते हो, इजीली यू कैन अप्लाई ऑन योर नेल्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका ब्रश है।
और डबल कोट में इनका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये कंप्लीट 24 नेल पॉलिशेस मैंने सारे के सारे कलर एक ही बार में मंगवा लिए। मैंने कहा छोड़ो यार छुट्टी एक साल की, जो भी कलर चाहिए होगा फटाफट से इसमें से निकालूंगी और लगा लूंगी। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस ब्यूटी ब्लेंडर, CAL का ये ब्यूटी ब्लेंडर है। मैंने आज ही यूज़ किया है, अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं किया था। तो सबसे पहले तो ये पैकिंग देख लो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी पैकिंग में था ये, इस तरह के बॉक्स में, छोटू से बॉक्स में था ये। और क्वालिटी इज़ रियली नाइस, ऑसम क्वालिटी है इसकी। क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ तो थोड़ा सा ना ये फूला हुआ है, ये इसमें ठीक से फिक्स भी नहीं आ रहा है। तो ये मैंने इस साइड से यूज़ कर लिया है और इसके ऊपर इसका ब्रांड लिखा हुआ है CAL लॉस एंजलिस, LA का ब्रांड है ये। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं उनको हमें थोड़ा सा वेट करके, यानी कि पानी में डिप करके, स्क्वीज करके उसके बाद यूज़ करना चाहिए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आई है फेस के ऊपर। अभी तक तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो मेरा इसका इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना भी है कि ये काफ़ी टाइम तक चलता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इन शॉर्ट ये ड्यूरेबल है। और मेरे को मेरा वो जो था मैक वाला वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट वो मिल नहीं रहा था तो मैंने ये न्यू ऑर्डर कर दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लॉरियल पेरिस का डार्क ब्राउन इंस्टेंट रूट कंसीलर स्प्रे मैजिक रीटच, दिस इज इट। अब आप सोचोगे कि मैंने क्यों मंगाया है, ये मैंने अपने लिए नहीं मंगाया, मेरा तो एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, बट ये मैंने मंगवाया है मम्मी के लिए। डार्क ब्राउन इसका कलर है। ये मैंने ऐड देखा था इसका ना, काफ़ी ज़्यादा ऐड आ रहा है आजकल टीवी पर, और मैंने मार्केट में जाकर पता किया तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उन लोगों ने बोला कि मे बी ऑनलाइन अवेलेबल हो, आप ऑनलाइन मंगवा कर देख लो। तो इंस्टेंटली जिनके यहाँ पर ग्रे कवरेज होती है ना, वाइट हेयर होते हैं और उनको इंस्टेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, बट उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो बैठकर कलर करें, इसको आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज लॉरियल का मैजिक रीटच। तो आपको इसको जस्ट इस तरह से शेक करना है और जो एरिया आपका वाइट है ना उन वाले हेयर पर इस तरह से थोड़ी सी दूरी से ना स्प्रे कर देना है। ये देखो ये हो गया ना ब्लैक, और इसको थोड़ा सा ना ड्राई होने का वेट करना है। इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि मैं हैंड वॉश करूंगी तो उसके साथ ही रिमूव हो जाएगा। तो ये इंस्टेंटली आपके हेयर को, अगर यहाँ पे आपका अगर आपके यहाँ पर आगे आगे थोड़ी सी भी ग्रे कवरेज है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और देखो ये ऐसे तो हट नहीं रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको वॉश करोगे ना, हैंड को वॉश करोगे सोप से, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई थिंक जिनको थोड़ी बहुत भी ग्रे कवरेज है, फ्रंट से दिखाई देते हैं और टाइम नहीं होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ रियली नाइस। एंड नेक्स्ट मैंने मंगवाया था ये वेगा का लूफा, ये रहा लूफा। अब ये आप सोचोगे कि ये बाहर क्यों है, तो ये बाहर इसलिए है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मेरे को यूज़ करके देखना था इसकी क्वालिटी कैसी है। सो दिस इज़ नाइस, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छा है। और इसके ऊपर इस तरह से वेगा का टैग लगा हुआ है। पहले वाला जो मेरा था वो ख़राब हो गया है, वो खुल चुका है, कम्प्लीटली बेकार हो चुका है वो। तो मैंने सोचा कि ये भी मंगवा ही लेते हैं, इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिसीव हुई है और आपको रीजनेबल प्राइजेज में, मतलब वेगा के प्रोडक्ट्स काफ़ी रीजनेबल प्राइजेज में आ जाते हैं विद गुड क्वालिटी। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट परचेज, नाउ मूव ऑन टू ज्वेलरी। तो मैंने थोड़े से नेक पीसेज मंगवाए हैं क्योंकि एक दो नेक पीसेज जब भी मैंने पहने हैं तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो मेरे को ये भी ट्राई करने थे, डेंटी नेक पीसेज जो होते हैं ना वो वाले। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था यार, मेरा डिफरेंट सा भी लग रहा था। ये एथनिक वेयर पर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, आप इसको इंडो वेस्टर्न लुक के साथ भी पहन सकते हो। तो ये बड़े वाला जो नेक पीस होता है ना, ये वैसा है। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार, सूट पर या फिर शर्ट, वाइट शर्ट के ऊपर तो ये इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक आप एक से दो बटन खोलकर उसके बाद ऊपर से इसको स्टाइल कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अमेज़ॉन पर जो ज्वेलरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेज में अवेलेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये जो स्टोन लगे हुए हैं ना ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। साथ में इसके ना नेक एयरिंग मिले हैं, एयरिंग बड़े छोटू से हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस, आप चाहें तो पहन सकते हैं। या फिर इस टाइप की जो बोहेमियन ज्वेलरी होती है वो आई थिंक हर एक गर्ल के पास होगी, तो कुछ और भी पहन सकते हैं। या फिर ये तो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट नेक पीस मेरे को लग रहा है, ये देखो ये तो ऑलरेडी एक टाइप का स्टेटमेंट नेक पीस है, इसके साथ कुछ भी इयररिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल यार, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा मुझे ये वाला नेक पीस ना। एंड द ब्रांड कॉल्ड यू बेला के मैंने मंगवाए हैं ये वाला नेक पीस, और जो मैंने डेंटी वाले नेक पीस मंगवाए हैं वो भी यू बेला के मंगवाए हैं, ये कॉम्बो में थे। अब ये दो नेक पीसेज ना कॉम्बो में मेरे को मिल रहे थे 299 रुपीज़ के, 300 रुपये में मेरे को दो नेक पीस मिल गए यार, अमेजिंग डील लगी मुझे उस टाइम पर, तो मैंने मंगवा ली। मैंने कहा रुकना क्यों है, मंगवा ली मैंने।
दिस इज नेक पीस नंबर वन, ये आप देख लो नीचे इसमें बना हुआ है, ये लॉक, इसकी की नहीं है, थ्री लेयर मतलब मल्टी लेयर जो नेक पीसेज होते हैं ये वो वाला है बिल्कुल। ये जो बीच वाली इसकी लेयर है ये बड़ी मोटी वाली चेन जो होती है वो है, एंड टॉप वाली जो है एकदम स्लीक सी चेन है, और बीच में इसके दिया हुआ है छोटू सा हार्ट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये भी। एंड गाइज यू कैन सी दिस, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एक्चुअली मेरे आज वाले टॉप का नेक जो है वो थोड़ा छोटा है, बट जो थोड़ा सा बड़ा नेक होगा ना उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत अच्छे से विजिबल होगा, और ये बहुत ज़्यादा इन भी है आजकल। एंड दिस इज नेक पीस नंबर टू, ये वाली जो चेन है ये मोटी है और नीचे ये पतली वाली चेन है, इसके ऊपर बनी हुई है गिन्नी विक्टोरिया जो बनी रहती थी ना पुराने जो सोने चांदी के सिक्के आते थे उनके ऊपर, इसके ऊपर वो बनी हुई है। तो ये है टू लेयर का, और जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो था थ्री लेयर का, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये भी। एंड गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज दिस ब्रेसलेट, तो ये फोर पीस का ब्रेसलेट है, तो दिस इज फोर लेयर वाला ब्रेसलेट, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज लेयर नंबर वन, ये ब्रेसलेट आप इसको लूज या टाइट कर सकते हो, दिस इज सेकेंड, इसके ऊपर लगा हुआ है छोटा सा स्टोन, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज लीफ वाला फोर्थ। तो ये मेरे को लीफ तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, एक्चुअली ये दोनों मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, ये दोनों तो कॉमन है बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। गाइस दैट्स इट, यही सब था आज की वीडियो में, ज़्यादा चीज़ें मैंने इस बारी नहीं मंगवाई थी लेकिन जो भी थी वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही, हर एक प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो मेरी इस वाली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय गाइज़।